सो गाइस, गेम के अंदर आ चुका है हमारा बिल्कुल नया इनक्यूबेटर। एंड गाइस, यहाँ पे हम करने वाले हैं स्पिन। और गाइस, आप यहाँ पे अकाउंट में डायमंड देख सकते हो, 20,000 डायमंड्स हैं। एंड हमारे पास एक इवोल्यूशन स्टोन है और यहाँ पे हमारे पास 0 ब्लूप्रिंट होने वाले हैं। तो यहाँ पे हम टॉप का निकालेंगे जो कि 3 ब्लूप्रिंट 7 इवोल्यूशन स्टोन में होने वाला है। उसी के साथ यहाँ पे 2 ब्लूप्रिंट में ये वाला है एंड यहाँ पे ये सिंगल ब्लूप्रिंट में, नहीं ये भी 2 ब्लूप्रिंट में होने वाला है गाइस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये सिंगल ब्लूप्रिंट में होने वाला है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो फटाफट से मैं आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सीधा स्पिन करूँगा। एंड गाइस, यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को रखा करो, ताकि हम जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करते हैं तो एग्जैक्ट वो भी आप तक पहुंच जाती है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। वैसे मैंने वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही 5 स्पिन कर दिया। गाइस देखो, आप लोग को क्या करना है, आपको इस तरीके से बिल्कुल भी स्पिन नहीं करना है। मैं आपको जल्दी जल्दी निकाल के दिखाऊंगा, लेकिन आप लोगों को बिल्कुल भी इस तरीके से स्पिन नहीं करना है। कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि आपका जल्दी से जल्दी निकल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्पिन करते हैं फटाफट से 5-5 स्पिन। एंड गाइस, क्या निकला? कुछ नहीं निकला। तो भाई, हमें 7 इवोल्यूशन स्टोन भी चाहिए होंगे, तो यार कितने सारे डायमंड्स लगने वाले हैं। जहाँ तक मुझे लगता है कि 5,000 के आसपास डायमंड्स लगेंगे इस अकाउंट के अंदर, क्योंकि भाई इस अकाउंट के अंदर बहुत ज़्यादा डायमंड्स रहते हैं। तो यहाँ पे नहीं निकल रहा अभी तक एक भी इवोल्यूशन स्टोन या फिर ब्लूप्रिंट नहीं निकला है, ठीक है। तो मैं वापस से, ये लास्ट 5 स्पिन है गाइज, उसके बाद हम करेंगे कैरेक्टर चेंज, जो कि हमारी ट्रिक वगैरह रहती है। तो यहाँ पे नहीं मिला, तो एक इवोल्यूशन स्टोन मिला गाइज, ठीक है। तो एक ही इवोल्यूशन स्टोन मिला है अभी तक, तो मैं कैरेक्टर चेंज करके आऊँगा, ठीक है। तो हम चलेंगे सिंपल सा कैरेक्टर के अंदर, देन उसके बाद कैरेक्टर वो वाला सिलेक्ट कर लेंगे जो हम कभी यूज नहीं करते। तो चलो आज कल्लू एडम को ले लेते हैं। एंड गाइज, उसके बाद चलेंगे लक रॉयल के अंदर, और गाइज यहाँ पे इनक्यूबेटर के अंदर चलेंगे। तो यहाँ पे अभी तक हमारे पास 2 ही इवोल्यूशन स्टोन हुए हैं, तो फटाफट से मैं स्पिन करता हूँ। एंड गाइज, अगर इसमें नहीं निकला ब्लूप्रिंट या फिर इवोल्यूशन स्टोन, तो मैं स्किप करके स्पिन करूँगा, क्योंकि यार वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा फिर, ठीक है। तो यार नहीं निकला, तो चलो गाइज मैं स्किप करता हूँ। एंड नहीं निकला, तो मैं वापस से स्किप करता हूँ। एक और इवोल्यूशन गाइज, एक और इवोल्यूशन स्टोन निकल चुका है, तो मैं एक और स्किप करता हूँ। तो नहीं निकला, चलो 40 डायमंड्स का स्पिन करते हैं, क्या पता निकल जाए भाई। तो 3 ब्लूप्रिंट भी चाहिए होंगे गाइज, ठीक है। तो यहाँ पे एक और इवोल्यूशन स्टोन निकल चुका है, 4 हो चुके हैं। तो मैं वापस से 5 स्पिन करता हूँ गाइज। ब्लूप्रिंट भी चाहिए होगा, इवोल्यूशन स्टोन ओनली नहीं चाहिए, तो फ्री फायर वाले पता नहीं क्या करते हैं भाई। तो यहाँ पे नहीं दे रहा अभी तक, तो अभी तक तो एक ब्लूप्रिंट निकल चुका है गाइज हमारा, ठीक है। तो सिंगल ब्लूप्रिंट हमारा निकल चुका है, तो अभी हमें 2 ब्लूप्रिंट और चाहिए। एंड यहाँ पे अभी तक हमें कितने, 3 इवोल्यूशन स्टोन और 2 ब्लूप्रिंट चाहिए, तो मैं स्किप कर दूंगा एंड वापस से स्किप करूँगा, क्योंकि यार आपका भी टाइम ना लगे। तो एक और इवोल्यूशन स्टोन गाइज, 5 इवोल्यूशन स्टोन, एक ब्लूप्रिंट हो चुका है, तो मैं स्पिन करता हूँ फटाफट से। एंड गाइज, प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक जरूर से करना, शेयर जरूर से करना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना अगर आप चैनल पर नए हो। तो यहाँ पे अभी हमें चाहिए 2 इवोल्यूशन स्टोन एंड 1 ब्लूप्रिंट गाइज, ठीक है। तो मैं स्किप करके स्पिन करता हूँ, तो एक और इवोल्यूशन स्टोन गाइज, ठीक है, एक इवोल्यूशन स्टोन और 2 ब्लूप्रिंट चाहिए अभी, तो मैं स्किप करता हूँ। तो मैं वापस से स्किप करता हूँ एंड वापस से स्किप करता हूँ, तो नहीं निकला भाई, अभी कुछ ज़्यादा हो रहा है। तो 4,000 के आसपास डायमंड चले गए। अभी हम कैरेक्टर्स में चलेंगे एंड कैरेक्टर में जाने के बाद भाई कितने सारे डायमंड्स लगने वाले। तो ये वाला कैरेक्टर चलो सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद स्पिन करते हैं। तो सबसे पहले 40 डायमंड का स्पिन करते हैं गाइस, ठीक है, सिंगल स्पिन करते हैं, क्योंकि भाई बहुत सारे डायमंड्स जा रहे हैं गाइस। अरे रे रे भाई, ये रुक गया था ब्लू प्रिंट में, पता है रुक गया था, लेकिन फिर से आगे बैज पर चला गया। तो क्या मिला, क्या मिला, क्या मिला, क्या मिला? अभी एक इवोल्यूशन स्टोन तो निकल जाएगा, लेकिन ब्लूप्रिंट के लिए रोना पड़ेगा गाइस, ठीक है, ब्लूप्रिंट के लिए अभी रोना पड़ेगा जहाँ तक मुझे लगता है। तो भाई भाई दे दे भाई, प्लीज़ भाई भाई भाई, मतलब उससे आगे रुकता है जाके, देखो देखो उससे आगे जाके रुकता है, ठीक है, उससे आगे जाके रुकता है, क्या ही बोलूँ मैं इसको। तो गाइज ऐसे नहीं देगा, वापस से कैरेक्टर हमें शायद से चेंज करना पड़ेगा। एक और ब्लू प्रिंट निकल चुका है, अभी हमें एक एक दोनों चीज़ चाहिए। तो अभी हमारे पास हो चुके हैं 2 ब्लू प्रिंट
एंड 6 एवोल्यूशन स्टोन, तो मैं स्किप करके स्पिन करता हूँ। तो गाइज एक और ब्लूप्रिंट निकल चुका है, ठीक है, अभी हमें सिर्फ और सिर्फ, चलो गाइज हमारा काम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हो चुके हैं, क्या हो चुका है भाई, तो गाइज हमारा काम हो चुका है, हम कर लेते हैं टॉप वाला एक्सचेंज। एंड गाइज यहाँ पे एक्सचेंज कर लिया, कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा हुआ आ चुका है और आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो गाइज अभी मैं आपको इसको पहन के भी दिखाऊंगा कैसा कॉस्ट्यूम होने वाला है, तो यहाँ पे देखो एंड इसको करते हैं ओपन। और गाइज प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताना कितने डायमंड्स लगे, यहाँ पे 4000 समथिंग कुछ डायमंड लगे। तो देखो गाइज कैसा कॉस्ट्यूम होने वाला है, बाकी आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताना। और गाइज गेम के अंदर एक और इवेंट आया, मैं आपको बता देता हूँ फटाफट से। अगर आपके अकाउंट में 0 डायमंड है तो आपको 160 रुपये में 520 डायमंड्स मिलेंगे, अगर आपके अकाउंट में 50 डायमंड है तो आपको 240 रुपये में 520 डायमंड्स मिलेंगे, अगर आपके अकाउंट में 320 डायमंड्स है, नहीं सॉरी, अगर आपके अकाउंट में 150 डायमंड्स है तो आपको यहाँ पे 320 रुपये में 520 डायमंड्स मिलेंगे, अगर आपके अकाउंट में 300 डायमंड्स हैं तो आपको 400 रुपये में 520 डायमंड्स मिलने वाले हैं। और गाइज प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर से करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना, ठीक है। तो आई होप लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो चलो यार, बाय बाय।